12th. In this video, we are going to discuss about the next topic, that is chromosomal theory of inheritance. इसकी previous हमने discuss कर लिया है inheritance by one gene and inheritance of two genes. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम discuss कर चुके हैं. अगर आपने videos नहीं देखी तो आप देख लें. So next, आज हम discuss करने वाले हैं वो है chromosomal theory of inheritance. See, जब Mendel ने अपनी सारी कैलकुलेशन एंड ऑल ऑब्जर्वेशन सब कर लिया, तो आफ्टर दैट जो उनका वर्क था उनको उन्होंने पब्लिश किया. जो इनहेरिटेंस के ऊपर उन्होंने वर्क किया था उसको पब्लिश किया इन 1865. लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन, सेवरल रीजंस की वजह से उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला. जब कोई कोई काम करता है सो क्यों करता है? बिकॉज एक रीज़न है, एक साइंटिफिक थ्योरी अगर उसने कुछ निकाली है या कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं जो कि सही हैं, सो ये पब्लिश किए जाते ताकि उसके बारे में सबको पता चले. बट एट दैट टाइम कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से सबको मेंडल के इस लॉ के बारे में नहीं पता चला. तो वो कौन कौन से रिजल्ट्स थे, कौन कौन से रीजंस थे? तो फर्स्ट रीज़न तो ये था बेटा, बिकॉज एट दैट टाइम जो कम्युनिकेशन है या आज जो हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, कि अगर आज कोई एक न्यूज़ है वो अगर अभी मतलब अभी कोई चीज़ हुई है विद इन फ्यू सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में वो बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में पता चल जाता है. बट अब क्या, उस टाइम क्या था, उस टाइम ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत ईजी नहीं था, जिसकी वजह से उस टाइम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में जब पता लगा तो उसमें बहुत टाइम लगता था, कुछ समय लगता था. तो जिस वजह से पहला तो रीज़न ये था कि कम्युनिकेशन वॉट नॉट वेरी गुड, वॉट नॉट वेरी इजी एट दैट टाइम. ठीक है, सेकंड रीज़न जो था, जो फर्स्ट उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट पे मेंडल ने बताया था अबाउट द जीन जिसको वो फैक्टर्स बोल रहे थे, तो उनने कुछ चीज़ें बताई थी उस फैक्टर्स के बारे में. पहले तो क्या बताया था कि वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन द सेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टी कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जो कैपिटल टी होते हैं वो ऑलवेज क्या दिखाते हैं, टॉलनेस ही दिखा रहे हैं. वो कभी कुछ और वहाँ पर चेंज नहीं करते, वो ऑलवेज टॉलनेस दिखाते हैं. डोमिनेंट हो जाए या रिसेसिव हो जाए वो अलग बात होती है, बट वो अपने एक कैरेक्टर को वहाँ पर लेकर रखते हैं. ऑल्सो दे आर द डिस्क्रीट यूनिट्स इन द सेंस कि मतलब किसी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के वो एक छोटे से पार्ट हैं. मतलब फैक्टर्स जो उन्होंने बताए थे एक्चुअली वो जीन्स के बारे में बताए थे, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम का एक पार्ट है ना. सो इसी तरह उस टाइम वो बता रहे थे कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आगे प्रोसीड होते हैं वो किसी एक स्ट्रक्चर का, किसी एक बिग स्ट्रक्चर के एक पार्ट होते हैं. ऑल्सो उन्होंने यही बताया कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं बाय देयर ट्रेट्स. जो भी ट्रेट्स होंगे उनमें, उनके थ्रू वो एक्सप्रेस्ड होते हैं. ऑल्सो उन्होंने एक बताया कि जो पेयर्स ऑफ एलील्स होते हैं उनमें किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको याद होगा कि जिसमें किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉपर अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं. सो ये जो चीज़ें थी वो कुछ कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम के लोगों को, कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो उनके साथ वर्क करने वाले अदर लोग थे, जो उन्हें कंटेम्पेरीज कहा जा रहा है, कि जो इसी टॉपिक पे सम अदर रिसर्च वगैरह लोग कर रहे थे, तो वो इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ नहीं समझ पा रहे थे. क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर वेरिएशन हो रहा था, कंटिन्यूस फॉर्म में वेरिएशन नेचर में देखा जा रहा था. तो ये जो वेरिएशंस हो रहे थे, चेंजमेंट आ रहे थे, वो किसी के भी रिगार्डिंग हो, तो ये क्यों हो रहे थे? अगर ब्लेंडिंग नहीं होती या कोई नया तरह का जीन्स नहीं बनता तो क्यों वेरिएशन होते जा रहे थे? इन सारी चीज़ों के बारे में उस टाइम नहीं पता था. तो सेकेंड रीज़न ये भी था जिसकी वजह से उनके इस लॉ को उस टाइम एक्सेप्टेंस नहीं मिली. थर्ड जो रीज़न था वो ये था कि जो मेंडल थे उन्होंने मैथमेटिक का यूज़ किया था किसमें, बायोलॉजी में. तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग ये भी सही नहीं था. क्यों? बिकॉज मैथ्स एंड बायो बहुत अलग अलग फिनोमिनन है. बायो में टोटली हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं या जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत अलग है, वो नेचर में ऐसी होती ही है, इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं. एंड इन मैथ्स में होता है कि मैथ्स में वो हम उन्हें बाय उन्हें चेंज कर सकते हैं, उनके डिफरेंट लॉज बना सकते हैं. सो ये जो चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी, बायोलॉजी के स्पेशल साइंटिस्ट ने इसे क्या किया था, अप्रूव नहीं किया. एंड द लास्ट रीज़न, फाइनल रीज़न ये था कि जो मेंडल ने वर्क किया था या वो जिन फैक्टर्स के बारे में वहाँ पर बता रहे थे हमें,
तो उन फैक्टर्स या जीन्स के बारे में कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था उन्होंने, कुछ वहाँ पे ऐसे प्रूफ नहीं मिला था जिनके थ्रू पता चल सके कि येस देयर समथिंग, कोई फैक्टर्स हैं एक्जिस्ट करते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे कोई भी फिजिकल प्रूफ वहाँ पर नहीं मिला था। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं और क्या इनके अदर वर्क हो सकते हैं। तो मतलब उन चीज़ों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, जस्ट उन्होंने इतना बताया था कि देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ जीन्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एंड उनके अंदर क्या होते हैं, अपने ट्रेड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इनको प्रॉपर एक्सेप्टेंस उस टाइम तक नहीं मिले। इन 1900 हुआ क्या बेटा, कुछ साइंटिस्ट थे, थ्री साइंटिस्ट, दे आर डीवेरिस, कॉर्नेस एंड वॉन टाक्समार्क। इन लोगों ने क्या किया, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप से खुद से इन्होंने डिस्कवर स्टार्ट किया और वापस से डिस्कवर करने लगे। किसको, जो मेंडल ने रिजल्ट निकाले थे, उन्हीं मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के ऊपर रिजल्ट निकाले थे उनको वो वापस से चेक कर रहे थे। सो एट दैट टाइम, बिकॉज अभी जो आप टाइम देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 1865 में उन्होंने अपना पब्लिश किया था, तो दैट टाइम उस टाइम तक उन्होंने अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली होगी, उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया। तो अराउंड 35 ईयर्स के बाद ये वापस से इसको रीडिस्कवर किया जाने लगा। तो एट दैट टाइम जो एडवांसमेंट थी, मतलब हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई थी, माइक्रोस्कोप बहुत बेटर आ गए थे उस टाइम पर, तो साइंटिस्ट बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से क्या देख सकते थे उस टाइम तक, सेल डिवीज़न को प्रॉपर तरीके से वो देख पाए। बिकॉज पहले जब मेंडल ने ये सब टेस्ट वगैरह किए थे तो उन्होंने जस्ट क्रॉस करवाया है बिल्डिंग में एंड देन वहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो उन्होंने देखा, बट रिज़ल्ट को देखने के लिए प्रॉपर माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से और वेल टेक्निक्स ना होने की वजह से वो प्रॉपर चीज़ नहीं देख पाए। लेकिन जब वापस से इनके ही लॉस ऑफ इनहेरिटेंस को वापस चेक किया गया और एक बेटर माइक्रोस्कोप एंड वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी में उनको देखा गया, तो वहाँ पर एक प्रोसेस नोटिस की कि दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, जिससे क्या हुआ, जिससे एक ऐसे स्ट्रक्चर्स की खोज हुई, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला जो कि कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड एट द सेम कुछ ऐसे सेम टाइम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जिसमें वो डबल हो जाते हैं एंड ऑल्सो डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो सेल प्रॉपर डिवाइड हो जाती है। तो इन शॉर्ट सेल डिवीज़न की प्रोसेस को यहाँ से देखा गया, जिसमें जो भी सेल डिवाइड हो रही थी, सो पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस और उसके अंदर न्यूक्लियस भरा होता है। सो पहले तो उसमें ऐसे कोई ट्रेड्स या फिर ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं दिखाई दिए, बट जब उसमें डिवीज़न होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कुछ सेल्स बन जाती हैं, देन सेल्स वहाँ पे बनने लगती हैं एंड ये सेल्स वापस में क्या होती है, डुप्लीकेट हो जाती हैं, दो बन जाती हैं एंड वापस फिर इसमें डिवीज़न हो जाता है, एक सेल में विद क्रोमोसोम अलग हो जाती है, दूसरी सेल अलग हो जाती है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स को वहाँ पर देखे गए। सो इन स्ट्रक्चर्स को जो कि वहाँ पर डबल हो रहे थे, डबल होने के बाद डिवाइड हो जा रहे थे, उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्यों नाम दिया था, बिकॉज क्रोमो फ्रॉम द कलर एंड सोम्स फ्रॉम बॉडी। सो ऐसी कलर्ड बॉडीज, बिकॉज एट दैट टाइम जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ सैफरेंस का या कुछ स्टेनर्स का यूज़ करते हैं, जिनकी हेल्प से जो भी उनके अंदर सेल्स है या फिर सम ऑर्गेनल्स है वो क्या होते हैं, उन कलर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन कलर्स को एक्सेप्ट करने से वो कलर दिखाई देते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत विजुअली वो आपको दिखाई दे सके। सो बिकॉज ये जो बॉडीज थी, जो क्रोमोसोम्स थे, वो उन कलर को ऑब्जर्व करे तो क्लियर दिखाई देते, इसलिए उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाने लगा। सो यहाँ से एक न्यू चीज़ निकली, वो था सेल डिवीज़न, एंड सेल डिवीज़न की वजह से धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि येस देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ है जो डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद एक ही सेल है जो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करके वो अपने नंबर को इंक्रीज करती है। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा जो मेंडल का इनहेरिटेंस था उनके बारे में चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो गई। इन 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चला, जैसे मियोसिस डिवीज़न और माइटोसिस डिवीज़न के बारे में क्लियर हम चीज़ें मालूम पड़ गई। हम मियोसिस और माइटोसिस प्रीवियस क्लास 11th में पढ़कर आए हैं, आपको आई होप वो क्लियर होंगी, फिर भी अभी मैं इसके बाद में आपको नीचे बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। सो नेक्स्ट अनदर साइंटिस्ट है, दैट इज शटिन एंड बोरॉय। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर
जब हम ये चेक कर रहे थे अबाउट द क्रोमोसोम्स, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर हैं या क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो एग्जैक्ट इक्वल मिलता है किसके, जीन्स के बिहेवियर में। तो जो क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स होते हैं वही जीन्स के कैरेक्टर होते हैं। जैसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं तो जीन्स भी पेयर में होते हैं। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर बताया गया कि जब वो सेग्रीगेट होते हैं या फिर जब अलग अलग होते हैं तो एक क्रोमोसोम में दो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में दो बॉडीज़ होती हैं। जब सेग्रीगेशन होता है तो ये अलग हो जाती है और ये बॉडी अलग हो जाती है। वैसे इन्होंने जीन्स के सेंस में बताया कि जीन्स से भी टू बॉडीज़ होती हैं, वो सेग्रीगेट्स होते हैं, यानी जब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जर्म्स का जर्म सेल्स बन रही होती है तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो जो थर्ड लॉ था मेंडल का कि जब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो वो किससे किससे जाकर अटैच होते हैं, उनका चांस जो था, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्डर में आपने देखा कि 50-50% चांस होता है वहाँ सबका कि वो कितने टाइप्स के गैमेट्स वहाँ बना सकते हैं। तो थर्ड यहाँ पे भी चीज़ देखी गई थी कि जो क्रोमोसोम्स बन रहे थे वो इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, एंड वो किसी के साथ भी जाकर एट दैट सेल डिविजन प्रोसेस में अटैच हो सकते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे जो क्रोमोसोमल बिहेवियर था वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया था। अब अगर आप रिवाइज करिए जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अबाउट द क्रोमोसोमल, अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न, तो माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। एंड जब इसमें माइटोटिक्स माइटोसिस डिवीज़न होता है सो इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स बनेंगी इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। किसी भी तरीके का डिवीज़न नहीं हो रहा है, डिवीज़न इन द सेंस डिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न तो हो ही रहा है, वो कैसा है, इक्वल डिवीज़न है। जैसे क्रोमोसोम्स मदर सेल में थे या जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते वैसे ही जस्ट उनके डॉटर सेल में वहाँ बनते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीज़न। एंड वही मियोसिस डिवीज़न जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं, जिसमें अगर हमारी जो सेल है उस पर 46 है तो आफ्टर डिवीज़न वो हाफ हो जाते हैं, 23 एंड 23। तो इसमें जो भी क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो ये हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। इसीलिए इन्हें रिडक्शन बोलते हैं, यानी कम हो गए ना, रिड्यूस हो गए, रिडक्ट हो गए, सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, आप सारी प्रोसेस पढ़ चुके हो अबाउट G1 एस फेज, G2 फेज, देन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, प्रो मेटा एनर टिलो, सारे फेजेस को आप वहाँ पर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वहाँ पर इस यहाँ पर भी प्रॉपर फेजेस को नहीं एक्सप्लेन किया गया, जस्ट जो चीज़ें बन रही हैं उनको बताया गया। सो आपने देखा अबाउट द मियोसिस एंड द माइटोटिक डिवीज़न, एंड जिसमें जो मियोसिस डिवीज़न होती है जिनके थ्रू आफ्टर दैट क्या बनते हैं, जर्म सेल्स वहाँ पर बनती है। एंड जर्म सेल्स में भी क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, जो जीन्स वहाँ पर दिखे, जो एलील्स वहाँ पर दिखे, वहाँ पर भी क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो ये जो पेयर यहाँ पर बनते हैं इसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस। जो ये एक पेयर है इसको होमोलॉगस बोल जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो जिस साइड्स पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो अब इस कैरेक्टर इसको देखने से पहले एक ये आप टेबल देख लीजिए, ये जो टेबल यहाँ पे बनाई गई बेटा, इस टेबल में बस ये बताया गया कि बिहेवियर, जो बिहेवियर शो हो रहा था किसका, क्रोमोसोम्स का एंड जीन का, वो किस तरीके से कंपेरेबल था। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह जीन्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, वैसे ही ये भी पेयर में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक गैमेट में एक पेयर जाता है, दूसरे गैमेट में दूसरा। वैसे यहाँ पे बताया गया कि जब सेग्रीगेशन का टाइम होता है तो वहाँ उससे क्या बनते हैं, एक पेयर, ईच पेयर, वन ऑफ ईच, मतलब उन दोनों में से कोई एक ट्रांसमिट हो जाता है इन गैमेट्स फॉर्म में। ऑल्सो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज एक ट्रेड से वो पर्टिकुलर उसी ट्रेड से ही जाके मिले, वो किसी और के साथ भी अटैच हो सकता है, कुछ अलग तरीके जिनके भी कैरेक्टर वहाँ पे बन सकते हैं। यही जो चीज़ है इंडिपेंडेंस फॉर्मेंट, वो आगे जाके वेरिएशंस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी बताया गया कि बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाने के बाद जब वन पेयर अलग अलग हो जाते हैं तो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये जो बिहेवियर था वो आपने देखा, कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स, जिसकी तरह से ये पता चला है यस दे आर पैरलर, या एक ही चीज़ है, या फिर एक चीज़ दोनों में से कुछ ना कुछ रिलेशन ऑफ कोर्स है, ओके। नाउ दिस प्रोसेस को अभी हम यहाँ पर देखते हैं। सो पहला जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ फेजेज हैं, है ना। सो ये फेजेस कौन कौन सी है, जीवन
अब इसके बीच में होती है एस फेज और जी टू फेज। सो ये क्या हो रहा है, ये मियोसिस डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर, जिसके थ्रू ब्लास्ट में क्या बन रही हैं, जर्म सेल्स बनती हैं। सो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ये जो फेज है इसमें क्या है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स है द फर्स्ट, तो पहले वो सेल में अपीयर नहीं होते, बट जब उनमें डिवीज़न की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है तो वहाँ पर सेल्स अपीयर होना स्टार्ट करते हैं। तो G1 फेज में प्रॉपर सेल्स दिखना स्टार्ट करती होती है एंड एस फेज तक कंप्लीट हमें एक कुछ क्रोमोसोम्स वहाँ पर दिखने लगते हैं। G2 फेज तक उन क्रोमोसोम्स में क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो जाता है। पहले अब तो ये एक येलो सेल्स दिखाई देती, अब इसमें देखिए जस्ट वन येलो सेल है, उसमें वन ऑरेंज सेल है, यहाँ पर टू येलो सेल्स है, टू ऑरेंज सेल्स है, तो उनमें क्या हो गया, डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में ऑफकोर्स बहुत सारी फेज होती है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज, राइट। सो टेलो फेज तो लास्ट की फेज होती है, जिसमें जब प्रॉपर डिवीजन हो जाता है तो वो अलग अलग सेल्स में कवर चेंज हो जाती, चली जाती है, ठीक है। सो प्रो, मेटा, एना, तो जो एना फेज है वहाँ पे इसको दिखाया गया। प्रो में धीरे धीरे क्या होते हैं, वो लोग जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनलार्ज हो रहे होते हैं एंड अपोजिट जो पोल्स हैं उनकी तरफ धीरे धीरे लोकेट हो रहे होते हैं। तो एना फेज में जो भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर बने हैं वो एक लाइन पे, एक मेटाफेज प्लेट जो होती है उसके लिए अलाइन हो जाते हैं एंड अलाइन हो जाने के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ, यानी कि एट दिस जो पोल्स है वो वहाँ पर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आफ्टर द एना फेज टू तरह की सेल्स यहाँ पे बन गई, एक सो पहले ये एक सेल में था, अब वो एक अलग हो गई, दूसरी सेल अलग हो जाती है, तो मियोसिस सेकेंड होने लगी यहाँ पर। एंड मियोसिस सेकेंड की भी लास्ट फेज है, जो कि एना फेज यहाँ पर बताएगी, जिसमें पहले यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू फिर जर्म सेल्स होती है उनमें, उनमें क्या होगा, अपोजिट सेल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जिसमें देखो अब यहाँ पे टू सेल्स जस्ट बची हुई हैं एंड इनमें भी क्या होता है, फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ, टू अपोजिट पोल्स की तरफ जाती हैं एंड फोर एक सेल से यहाँ पर टू सेल्स एंड ये सेल्स से यहाँ पर टू सेल्स आपको आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करते हुए दिखाई गई है कि किस तरीके से प्रोसेस यहाँ पर होती है, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ बताया गया कि जो प्रोसेस अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, जिसमें आपने देखा कि जो एना फेज फर्स्ट है, एना फेज मियोसिस फर्स्ट की जो एना फेज वाली स्टेज है, वहाँ पर आपने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली पहले तो वो अलाइन हो जाते हैं बिल्कुल एक साथ, वहाँ पर एक लाइन वाइज कह सकते हो, फिर अलाइन वहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। देन आफ्टर दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, उसके बाद बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट हैं कि वो किससे जाकर कौन से क्रोमोसोम्स अटैच होंगे, ये बिल्कुल टोटल उन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो बिकॉज यहाँ पर इसको समझाने के लिए डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया गया है एंड आप नीचे जो इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ दिखाई उनसे आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है। इन दो पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड। सो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है कि दो लॉन्ग कलर के यहाँ पे क्रोमोसोम्स लिए हैं और दो शॉर्ट कलर के, तो जो ये है क्या है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। इन्होंने फोर कलर्स यहाँ पर इनको लेकर दिखाया है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देखिए, यहाँ पर भी दो लॉन्ग हैं एंड दो शॉर्ट हैं, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड और ग्रीन। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीन और रेड रखा है, यहाँ पर रेड और ग्रीन रखा हुआ है, क्यों, बिकॉज बेटा जब ये दो अलग अलग ट्रेट्स हैं या क्रोमोसोम जब आके शॉर्ट एंड लॉन्ग आपस में जाकर अटैच हो रहे होते हैं, सो दे टोटली इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो है ऑरेंज के साथ ग्रीन वाला मैच हो, ऑरेंज, वेट, तो ऑरेंज के साथ क्या हो सकता है, ग्रीन भी मैच हो सकता है एंड ऑरेंज के साथ रेड वाला भी मिक्स हो सकता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे येलो के साथ रेड वाला मिक्स हो सकता है, तो येलो के साथ ग्रीन भी मिक्स हो सकता है, बिकॉज ये तो टोटल डिपेंडेंट होता है कि कौन सा गैमेट किसके साथ जाके अटैच हो जाए, या जब ये सेल डिवाइड हो रहे होते हैं एंड देन डिवीज़न होने डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ जब ये शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो ये उस टाइम की प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेल किससे अटैच हो जाए। तो यहाँ पर मेनली इन्होंने फोर ही क्रोमोसोम्स को दिखाया, इस वजह से उन्होंने बताया कि दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये ऑरेंज जो उसके ऊपर ग्रीन है उसी से अटैच हो जाए, या फिर वो ऑरेंज उसके ऊपर जो रेड अगर आ जाता है किसी तरीके से तो वो उससे अटैच हो जाता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने यहाँ पर शो की हैं।
आफ्टर दैट अगर जब वो क्रोमोसोम सेम पोल में आ गए डिफरेंट डिफरेंट, देन उसके बाद दो चीज़ें हो सकती है, मियोसिस सेकेंड होगी, यहाँ पर भी मियोसिस सेकेंड होगी, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बने, यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑरेंज के साथ रेड ग्रीन वाला मिला हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड वाला मिला है, यहाँ पे येलो के साथ रेड है और यहाँ पे येलो के साथ ग्रीन, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गए। सो पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो डिपेंड करता है बॉडी के अंदर किस तरह की चीज़ें, किस तरह का मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है, इस वजह से कौन से डिवीजन में कौन से स्ट्रक्चर कौन से जीन्स आके अटैच हो रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो दो पॉसिबिलिटीज ने आके दिखाई और लास्ट में फोर जर्म सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इससे जो थर्ड लॉ था जो कि क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, किसने दिया था, हमारे मेंडल सर ने, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टेड होते हैं, बिकॉज जब हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को यूज़ कर रहे थे या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन द फॉर्म जब वहाँ गैमेट्स बनते हैं तो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट कि वो किस तरीके से किससे ज्वाइंड होंगे एंड वो किस तरह के कैरेक्टर्स वहाँ पर दिखाते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर्स वहाँ पर देखे गए कि यस जब क्रोमोसोम्स में यानी सेल डिवीज़न हो रहा है तो जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज़ देखी गई कि जब वो फॉर्म हो रहे हैं अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं सो वहाँ पर भी दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो दो ट्रेड्स हैं यहाँ पर या फिर जो दो गैमेट्स बन रहे हैं और जो दूसरे एलील्स हैं यहाँ पर दो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, वो किसी के साथ जाकर भी फ्यूज़न कर सकते हैं या फिर किसी के साथ जाकर ज्वाइन होकर एक डिफरेंट जर्म सेल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनके थर्ड लॉ को भी एक अप्रूवल या फिर एक थर्ड लॉ को भी एक यस के मतलब वो लॉ सही था इसके बारे में चीज़ों लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट जब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से फर्स्ट तो जो डोमिनेंस वाला था कि किस तरीके से ट्रेड्स आगे की तरफ जाते हैं वो तो ठीक है, आफ्टर दैट इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सर्च किया कि यस क्रोमोसोम्स में जब सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पर भी इस तरीके के से कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो दो सडन एंड वराई ने जो पेयरिंग करी, यानी कि जब हम पेयर करते हैं क्रोमोसोम्स को, जब पेयरिंग हो जाती है आफ्टर दैट वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, बिकॉज इज इन स्टार्टिंग जब ये सेल स्टार्ट हुई थी तो पहले वो डुप्लीकेट हुए, डुप्लीकेट होने के बाद वो पेयर के फॉर्म में थे, लेकिन पेयर होने के बाद वो क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए एंड सब में अपने एक अलग कैरेक्टर जिस कलेक्टिव जिस ट्रेड्स को लेकर वो चल रहे थे वो उनके अंदर था, बट अंदर लास्ट वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए थे, क्रोमोसोम विल लीड टू सेग्रीगेट, और सेग्रीगेट होते हैं और आफ्टर दैट पेयर में जब वो लास्ट में बनेंगे तो जो पेयर थे पहले वो सेग्रीगेट हो गए और एक फैक्टर्स एक कैरेक्टर्स को वो अपने अंदर लेकर ऑफकोर्स रखते हैं जो वो ट्रांसमिट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर सुडन ने सुनॉन ने इन्होंने क्या किया था, जो भी इन्हें नॉलेज मिली अबाउट देयर इस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल, मेंडल ने जो प्रिंसिपल बताए थे उन प्रिंसिपल के साथ इन्होंने अपने प्रिंसिपल को ऐड किया और एक प्रिंसिपल लॉ दिया वहाँ पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल ने जो वर्क किया था उनके साथ उनको ऐड करते हुए उन्होंने ये एक न्यू वर्क एक न्यू थ्योरी वहाँ पर दी, ओके। ऑल्सो देयर इज बिकॉज इससे कुछ इन सारी चीज़ों से कुछ आइडियाज़ निकले अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी की, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, अबाउट द सेल डिवीज़न। देर ऑल्सो साइंटिस्ट जो कि है मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स ने कुछ जो मेन थिंग है कि क्यों सेल डिवीज़न हो रहा है या सेल डिवीज़न में क्या प्रोसेस ऐसे हो जाती है कि जिसकी वजह से सेल टूट रही है, डुप्लीकेट हो रही है, बन रही ऐसी क्या होती है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सेल डिवीज़न है या सेल डिवीज़न होने का जो बेस है वो एक्चुअली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज बेटा जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक प्लांट बॉडी है उसे एक पार्ट गिर गया और वो जाके जर्मिनेट हो गया। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उस प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए, वो स्पोर्स उससे बाहर आ गए या फिर एक बडिंग निकल आती है तो वो अलग हो जाती है, ठीक है, या फिर उसी सेल को आप काट देते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन जाती हैं। इनमें किसी भी एक नए सेल का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जैसे एक सेल होती है मेल एंड एक फीमेल, तो फीमेल के अपने पास अपने जीन्स होते हैं और मेल के अपने जीन्स होते हैं, इन सब के अलग अलग यहाँ पर जीन्स होते हैं, है ना, ये दोनों के अपने अपने सेपरेट जीन्स होते हैं। सो जब इन दोनों में जब फ्यूज़न हो गया, मेल और फीमेल स्पर्म एंड ओवम में जो फ्यूज़न होता है, सो उसमें एक जीन्स किसका आता है, फीमेल का, और एक किसका आएगा, मेल का, एंड जो उससे प्रोजनी बनती है उसमें दोनों का जब जीन्स फ्यूज होते हैं तो एक न्यू टाइप ऑफ जीन्स यहाँ से बनने लगता है। इसकी वजह से ही दो अलग अलग जीन्स जब मिलते हैं, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि मियोसिस के बाद क्या होता है, लास्ट में जो जर्म सेल बन रही थी उनमें एक एक गैमेट्स था,
सॉरी एक एक क्रोमोसोम से वहाँ पर। तो जब ये क्रोमोसोम्स एक सिंगल क्रोमोसोम किसी और क्रोमोसोम से जाके अटैच होंगे और एक न्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, सो ऑफकोर्स वहाँ के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन ऑफकोर्स होता है और बिल्कुल होता है। और ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट प्रोजनी बनी है उनका वो फादर या मदर से रिलेटेड नहीं होगा, ऑफकोर्स बिकॉज वो उन्हीं के जीन से बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, बट वो एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होता, ठीक है। सो इन्होंने बेसिस बताया कि क्यों इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं या वेरिएशंस हो रहे हैं, तो वेरिएशंस उन्होंने बताया बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू तरीके के जीन्स बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वेरिएशंस होता है। ऑल्सो जो मॉर्गन है, इन्होंने अपना ये जो रिसर्च है अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो वेरिएशंस हो चेक किया, उन्होंने एक ड्रोसोफिला मेलन ड्रोसोफिला करके एक हाउसफ्लाई होती है उसके उन्होंने उनके ऊपर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर इन्होंने किया था, और जो कि बहुत सुटेबल थे रिसर्च करने के लिए। क्यों सुटेबल थे? फर्स्ट तो उनको बहुत इजीली लेबॉरेटरीज में क्या कराया जा सकता था, इजीली लेबॉरेटरीज में उनके ऊपर ग्रोन अप उनको ग्रो किया जा सकता था। ऑल्सो जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, जस्ट 2 वीक्स की लाइफ साइकिल होती है। तो जस्ट अगर लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कम्प्लीट होगी तो उसके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे और जल्दी हम रिजल्ट वहाँ पर निकाल सकते हैं। ऑल्सो एक सिंगल कॉपुलेशन से, एक सिंगल मीटिंग से, यानी एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद बहुत सारी प्रोजनीज बनती थी, बहुत सारी छोटी छोटी स्लाइज बनती थी, जिसकी वजह से एक जितनी ज़्यादा प्रोजनी होंगी उतना ज़्यादा हम उन चीज़ों पर रिसर्च कर सकेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हुई। ऑल्सो बहुत क्लियर डिफरेंस होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो मेल होता है वो छोटा होता है, जिस तरीके आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा होता है, एंड फीमेल क्या होती है उसके कंपेरिजन में बहुत थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि दे आर मेल एंड दे आर फीमेल, एंड बहुत प्रॉपर उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। सो बहुत सारी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यहाँ पे यूज़ किया गया, एंड जितने भी वेरिएशन निकले अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको इसमें चेक किया गया था, ठीक है। सो यहाँ से हमने जो हमारी थ्योरी थी दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।